दें यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम। आज माजी कुजीन में हम बना रहे हैं जिंजर फ्राइज पोटैटो से। ये हम बड़े इजी तरीके से बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। आमतौर पर मैदे से बनते हैं लेकिन मैं ग्राम फ्लोर यानी बेसन से बना रही हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार है मैं आपको बता देती हूँ, बनाती जाती हूँ। एक टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, एक टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, एक टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, सुरख मिर्च एक टी स्पून, हाफ टी स्पून से भी कम हमने 1/4 लिया मीठा सोडा यानी बेकिंग पाउडर, एक चिली फ्लेक्स लिए एक टी स्पून और एक टी स्पून ही हल्दी पाउडर लिया। ये सब को मिक्स करके हम एक इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। ये मैंने एक बैटर तैयार कर लिया। अब हमने क्या करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपने जितने आपको पोटैटो चाहिए चाय के साथ लें या किड्स के लंच बॉक्स के लिए, आपने इसको फिंगर शेप में काट लेना बीक बीक, उसके बाद उनको धो के स्टेन में डाल देना है। अब मैं क्या करूँगी 10 मिनट इसको स्टे दूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद मेरे पास है खुश्क बेसन, इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सूख मिर्च डालूँगी और इसमें करके फिर मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत क्यूक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे स्टे दी है। अब मैंने क्या करना है, इधर मैंने ड्राई बेसन लिया है, इसमें मैंने सूख मिर्च नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और एक टी स्पून मैंने सूखी मेथी को अच्छी तरह फ्राई करके वो इसमें डाला। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें डिप करके पहले ये मैंने फ्राइज इसमें डिप किए उनको मैं उठा के ड्राई मिक्स इसमें डालूंगी और एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जिंजर फ्राइज जो है ना तैयार हो चुके हैं पोटैटो फ्राइज। ये मैंने अपने बेटे मोहम्मद जैन की फरमाइश में बनाए हैं। उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि मेरे आने से पहले तैयार हो जाए। इसको ये बहुत पसंद है, ये केचप के बगैर चलते हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, इसे बच्चों के आप लंच बॉक्स में दें, चाय टाइम पे मजे से खाएं। और आपने क्या करना है, और आपने अपनी जुबानों को अल्लाह ताला के जिक्र से इतना रखना है। वाह मम्मा बड़े मजे के बर्गर पिज्जा फ्राइज शुरमा बहुत अच्छा बनाती हैं, आप बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपका जजाक अल्लाह जी। आप भी तारीफ करेंगे तो वो बाहर के लोग ही करेंगे। इतने मेरा शहजादा है ना, ये इनका बहुत ज्यादा फैन है, तो इसलिए मैंने आज नमाज भी पढ़ी। मैंने क्या कहा अपने बेटे को सबसे पहले बना के। और आपने क्या करना है, खुद बावजू रहा करें, बावजू तरीके से पका के अपने बच्चों को खिलाया करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ सलाम की कसरत करें ताकि हमारी ज़िंदगी में बहारे आ जाएँ और हमारे बच्चों में भी अच्छी अदात आए। इसमें बहुत अच्छी अदात है, इसकी दाल बहुत अच्छी है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इसे बद नज़र से बचाए। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल माजी कुज़ीन को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।